हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूनिक रेसिपी में। आज हम आपको बताएंगे कि बासी रोटियों को फेंके ना उसका क्या बनाएं, और कुछ अच्छा एक बार बनाएंगे तो जरूर बार बार बनाएंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप ट्राई करें। अब हम इन रोटियों को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, काफ़ी थोड़ा दरदरा टाइप में इसे पीस लेंगे, मिक्सर में चला लेंगे तो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। ये देखो हमने ये छोटे से उसको तोड़ लिया, अब मैंने पीस के बताऊंगी कितना बारीक पीसते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से ग्राइंड करा है, मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे करना है। ये मैंने इसमें डाल लिया है, एक चम्मच घी डाल लेना है, फिर से चलाते रहना है, अच्छी तरीके से भूनना है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर जो होते हैं ब्राउन कलर में हो चुका है, कम से कम 3-4 मिनट लगे हैं और अभी से खा लेंगे, निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए कि हमने इसे निकाल लिया और अभी में ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा कलर मिल गया, देखो देख सकते हैं चीनी की चाशनी कर चुकी है, जो अब हम इसमें डालेंगे जी हमने लिए है 500 ग्राम दूध और हम इसे पका लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस ताकि ये दानेदार दिखे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट जो कि पहले भी मिला देना चाहिए था, कप पक चुका है थोड़ा सा बचा हुआ है, डालेंगे हम थोड़ा सा ऊपर से चीनी डाल देना है, मैंने इसे दो तरीके में काटा है, एक तो ऐसे सील दिए दूसरा ऐसा, आपका दिल जैसा करे आपको जैसा अच्छा लगता आप उस शेप में दे सकते हैं। यह है बनके तैयार मिल्क केक, बासी रोटियों से मिल्क केक। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।